अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे आज हो गया है एंड के ऊपर। शुरू में तो थोड़ा बोर हो गया था एंड के ऊपर, तो आज आपने इस नौजवान का सवाल भी जवाब दे रहे हैं। मैं सारे सवालों का हमेशा जवाब देता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज बड़ा दिलचस्प केस था। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स बड़े तगड़े हुए और जजेस के क्वेश्चंस भी बड़े ज़बरदस्त थे आज। ये केस है क्या, मैं थोड़ा सा आप लोगों को, बहुत सारे अभी तक इस केस की जो अहमियत और वो है मीडिया में, तो चूँकि सिर्फ एक और ही काम चल रहा है और पता नहीं बेचारों को छापने की कितनी इजाज़त है, कितनी देने की इजाज़त है, लेकिन इस केस की बड़ी अहमियत है। ये मुकदमा ये है कि मौजूदा हुकूमत ने आकर नैब लॉ में जो तरामीम की, उसके नतीजे में अमली तौर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो का पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो ख़त्म हो गया है, और वो हमें रोज़ाना नज़र भी आ रहा है। चाहे वो मरियम नवाज़ की बरियत का मामला हो, चाहे हमें शहबाज शरीफ के केसेस का मामला हो, चाहे आसिफ जरदारी के मुकदमों का मामला हो, आपके सामने हमें रोज़ाना नज़र आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान में एहतसाब का अमल मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गया है जब से हुकूमत आई है। और जैसे इमरान खान ने पहले ही बताया था कि एक बुनियादी एजेंडा है रिजीम चेंज का, कि इसके नतीजे में आपने एहतसाब ख़त्म करना है, और एहतसाब हम अमली तौर पर देख रहे हैं कि ख़त्म हो गया है। अब आज जो नुक्ता बुनियादी तौर के ऊपर जज साहिबान के सामने तहरीक इंसाफ ने रखा है, ये पिटीशन तहरीक इंसाफ की है, और इसीलिए आज़म साहब, आती साहब, मलिका, मैं, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये तहरीक इंसाफ की पिटीशन है। आज जिस नुक्ते के ऊपर बहस हुई है वो सेक्शन 25, उसका जो सब सेक्शन बी ए है उसके ऊपर बात हुई है। सेक्शन 25 जो है ये प्ली बारगेन से डील करता है। प्ली बारगेन क्या है? प्ली बारगेन ये है कि अगर कोई शख्स जाके कहे कि जनाब मेरे, आपने 10 अरब रुपए का मेरे ऊपर केस है, मैं ये पैसे वापस करने को तैयार हूँ, मेरी आप जो सेंटेंस है वो वापस कर दें, तो आपको पैसे वापस, आप अपने वो पैसे वापस करेगा और उसकी सेंटेंस ख़त्म हो जाएगी, ये प्ली बारगेन। लेकिन उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, वो 10 साल तक ओहदे पे नहीं रह सकता किसी के ऊपर, बला बला वो सारी चीज़ें। लेकिन ये एक बुनियादी एहतसाब का सेक्शन है जिसके तहत बहुत पैसा नैब ने रिकवर किया है। नैब का जो टोटल ख़र्चा अभी तक इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे हुआ है वो तकरीबन 18 अरब रुपए नैब ने 1997 से लेके अब तक जो है वो तकरीबन अपने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के ऊपर खर्च किए हैं। लेकिन इससे बहुत बड़ा पैसा नैब ने रिकवर किया, और ज़्यादातर पैसा उन्होंने प्ली बारगेन से रिकवर किया। अब इस हुकूमत ने आके क्या किया? इस हुकूमत ने आके जो अमेंडमेंट्स की उसमें सेक्शन 25 की अमेंडमेंट भी शामिल थी। सेक्शन 25 की अमेंडमेंट उन्होंने ये की है कि जी जो भी प्ली बारगेन हुआ है आप नैब में दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये जो मैंने प्ली बारगेन किया था ये मैंने अंडर क्वेरजन किया था, लिहाजा मेरा ये ख़त्म करके मुझे पैसे वापस किए जाएं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करोड़ों रुपए नहीं, कई अरब रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे उन लोगों से जिनसे आपने ये पैसे रिकवर किए हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है आसिफ जरदारी। वो कैसे? कि उनके जो पैसा था, आपको याद होगा कि 32 अकाउंट्स जो सरफेस हुए थे, जो फेक अकाउंट थे, उन अकाउंट्स में हज़ारों ट्रांजेक्शन जो हुई थी उनको जो ये जो हुसैन लवाई थे और जो अनवर मजीद थे, उन्होंने उन अकाउंट्स को क्या कहा कि वो बाद में उन्होंने उसके साथ प्ली बारगेन कर लिया, और दूसरों को जो बाकी अकाउंट बचे थे उनको कहा कि जी ये हम एमनेस्टी में डिक्लेयर किए हुए हैं। जो अकाउंट उन्होंने एमनेस्टी में जो फेक अकाउंट डिक्लेयर किए, नैब ने कहा ये तो आपके ख़िलाफ़ एविडेंस है कि आप ये पैसा रिश्वत का है, लिहाजा उन अकाउंट्स में अरबों रुपया नैब को दिया गया, हुकूमत को दिया गया, और अनवर मजीद, हुसैन लवाई, आसिफ जरदारी ने अपनी उनसे जान बचाई। अब ये तरमीम करके जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? वही पैसा जो उन्होंने हुकूमत को दिया वही पैसा वापस लेने के चक्करों में, क्योंकि पहले भी मैंने आपके सामने ये नुक्ता रखा, पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई है हमारा जो क्लासिक जस्टिस सिस्टम है वो तो बैठ गया। जस्टिस सिस्टम क्या था? एक वकील मुल्ज़म का होगा, एक वकील
प्रोसिक्यूशन का होगा, यानी जो इल्ज़ाम अले हैं उनका होगा, वो मुल्ज़म के खिलाफ आर्गूमेंट्स देगा, ये मुल्ज़म के हक़ में देगा और जज उसका फ़ैसला करेगा। अब इस केस में अब हम देख रहे हैं कि मुल्ज़म ही फैसला कर रहा है कि मेरे खिलाफ़ मुखालिफ वकील कौन होगा। लिहाजा आप ये देखेंगे कि ये जो तमाम लोग जिन्होंने अरबों रुपए की प्ली बार्गेन्स की, ये नैब के साथ मिल के अब वो पैसे वापस लेंगे। अब ये पैसा सैलाब जदगान के ऊपर खर्च होने वाले पैसों से कई गुना ज़्यादा है। ये पैसा अभी तक जो पाकिस्तान में आया है, जितनी इमदाद मिली है, उससे कहीं ज़्यादा है। एक्चुअली इमरान खान ने जो अपनी 3 टेलीथॉन्स में जितना पैसा जमा किया, ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। ये सारा पैसा आप जरदारी शरीफ ये लोग वापस लेना चाह रहे हैं। फिर दूसरा काम इन्होंने क्या किया, दूसरा काम इन्होंने ये किया है कि ये कह दिया है कि जी जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो अब एक्यूज्ड पे नहीं होगा। अब जो नवाज शरीफ के ऊपर केस पेंडिंग है इवन फील्ड का, और ये कहा है कि 1985 से ये समझा जाएगा कि ओनर्स ऑफ प्रूफ का मामला नहीं। नवाज शरीफ के ऊपर जो केस पेंडिंग है वो क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ आपकी लंदन में पार्क लेन में हैं, जिनकी कीमत अरबहा रुपए है, आपने बताना है कि उसके सोर्सेज क्या हैं। इस अमेंडमेंट के बाद नवाज शरीफ का केस आपने क्लियर कर दिया। उसके साथ शहबाज शरीफ के अकाउंट में 24 अरब रुपया है, आपने शहबाज शरीफ का जो है वो क्लियर कर दिया। जरदारी साहब के अकाउंट्स जो हैं उनमें, मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये तो 32 अकाउंट्स हो, वो फेक अकाउंट्स हैं जिसमें डिक्लेयर्ड है 5,000 करोड़ के करीब रुपया। इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जरदारी साहब क्लियर हो गए। और इस कानून के ऊपर पार्लियामेंट में एक दिन के ऊपर भी बहस नहीं हुई, ना सेनेट में बहस हुई, ना के असम्बली में बहस हुई। और आप देखिए कि क्या निज़ाम है कि भेड़ बकरियों की तरह जो सारे हमारे ये जो नून लीग वगैरह PDM के MNAs बैठे हुए हैं, जिनका अपना शायद कोई पैसे का इसरा ना हो, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए उनसे मोरें लगवाई गई, और फिर ये लोटे जो हमारे राजा रियाज एंड कंपनी और ये सारे गए थे, इनकी भी मोरें जो हैं वो उसके ऊपर लग गई, और सेनेट में भी बहस ही नहीं हुई। सो ये कानून जो है इसके ऊपर आज ये गुफ्तगू हुई है, आज इसके ऊपर ये बहस हुई है, कल इसके ऊपर अगली बहस जो है वो जारी रहेगी। और हम आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचेगी कि ये जो कानून बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है और इसकी कोई तुक नहीं बनती, और ये कानून इंशाल्लाह नैब का जो है वो सेट असाइड होगा। दो और मामलात के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, ये तो इस केस से मुतल्लिक था। कल मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वो लंदन पहुंच गई हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बोंगी मारी कि इसके बाद पाकिस्तान में साइफर ही आना बंद हो जाएंगे। देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि इनमें कोई भी बंदा इस लीडरशिप में ऐसा नहीं है जो किसी को कुछ दो लफ्ज बता ही दे बात करने से पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइफर क्या होता है। हर जो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसके अंदर एक साइफर डिपार्टमेंट है, हर जो हमारी एम्बेसी है उसके अंदर साइफर डिपार्टमेंट्स हैं। साइफर ये होता है कि हमारा अम्बेसडर जो है वो अपने मुल्क को एक टेलीग्राम भेजता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि कोडिफाइड होती है, और वो कोडिफाइड जो सिस्टम है उसको हम साइफर कहते हैं। साइफर एक सिस्टम है, ये कोई खत या टेलीग्राम नहीं है, सिस्टम है। उसका जो कंटेंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि कंटेंट को कैसे लिया जाए। अब मरियम नवाज शरीफ के नज़दीक ये कहना अमेरिका का या किसी मुल्क का कि आपका वज़ीर आज़म जो है वो बदलेगा तो हम आपसे ताल्लुकात रखेंगे, नहीं बदलेगा तो ताल्लुकात हमारे नहीं होंगे, ये मरियम नवाज शरीफ और इस जैसे नून लीग के कई और जो लोग जो बात करते हैं उनके लिए नॉर्मल होगा, पाकिस्तानियों के लिए नॉर्मल नहीं है। ये कहना कि एक मुल्क हमें ये हुक्म करेगा कि ये वज़ीर आज़म होगा तो हमारे ताल्लुकात होंगे, ये वज़ीर आज़म नहीं होगा तो ताल्लुकात नहीं होंगे, अनएक्सेप्टेबल है। और मरियम नवाज़ को कोई बंदा, मेरे ख्याल में जो तारक फातमी साहब 24/7 उनके साथ होते हैं, उन्हीं से पूछ लें कि साइफर होता क्या है, ताकि आइंदा जब वो बात करें तो कोई अकल की बात और वो बात कर सकें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के बारे में। आज इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक को इमरान खान के अकाउंट्स के लिए लिखा है, ये फैसला महफूज हो चुका था, वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत भी इससे मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन कानून नहीं जानता, क्योंकि अगर वो कानून जानते होते तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो शहादतें होती हैं, जो दस्तावेजात होती हैं,
वो उस वक्त पेश की जाती हैं जब केस चल रहा होता है, जब फैसला महफूज हो जाता है, आप उसमें नई एविडेंस शामिल नहीं करते और वकीलों को सुने बगैर आप शामिल नहीं करते। आज आपने इलेक्शन कमीशन को कहा, स्टेट बैंक को कहा है कि आपको भेजें और हम उसके बाद फैसला करेंगे। अब आपको ये केस खोलें दोबारा और दोबारा हमारे लॉयर्स जो हैं वो उसके ऊपर आर्गू करें। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, इमरान खान के फैसला तो होना चाहिए, तोशाखाना का किसी का भी फैसला होना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग केस किधर गए हैं? हमने तो उनकी कभी बात ही नहीं सुनी आपसे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बाकी यूसुफ रजा गिलानी, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ के ऊपर जो तोशाखाना केस हैं वो किधर गए हैं? उनकी तो हमने कभी बात ही नहीं सुनी आपसे। तो मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक लॉन्ग आर्म बन गया है PMLN की और PDM की, जिसकी वजह से सारे मुल्क का जो सिस्टम है वो बैठ गया है। अब इन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन को अपना एक मातहत इदारा बनाया, अब उन्होंने नैब को एक बिल्कुल ही डमी इदारा बना दिया है। एक तरफ पाकिस्तान में पैसे करप्शन वो हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें सियासी तहफ़ मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से। सो ये सारे मामलों का जो हल है वो इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से ले कर पेशावर तक और फैज़ाबाद से ले कर लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे और आपको इंशाल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर है। और मैं इनको कहता हूँ अब भी अपनी जो जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर कर लें, देर हो जाएगी। आर्मी चीफ ने आज बयान दिया है कि वो सियासत से फ़ौज अलग हो चुकी है, तो आपको लगता है कि फ़ौज वाकई सियासत से अलग हो चुकी है? और उन्होंने कहा कि मुद्दत पूरी होने पर रिटायर भी हो जाएंगे, दिया उन्होंने। आर्मी चीफ का बयान बड़ा, जो इकोनॉमी के मतलब उन्होंने बात की है वो बड़ी साहिब है और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि देखिए माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और सियासी इस्तेहकाम जो है इसमें दोनों की एक तो जिम्मेदारी है सियासी जमातों की कि वो आपस में बैठ के रूल ऑफ द गेम बनाएं, और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला करना है कि उन्होंने कितना हिस्सा लेना है सियासत में। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आ जाए फिर उसको बदल दें, फिर दूसरी आ जाए उसको बदल दें, फिर तीसरी आए और साथ हम कहें कि नहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ये नहीं हो सकता। सो ये मेरा ये ख्याल है कि चीफ साहब ने जो अपना एक टारगेट रखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले आपको सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना जो किरदार है उसको देखना है। जैसे इमरान खान साहब को जो काफ़ी एंकर्स की मुलाकात हुई उससे कह रहे हैं कि किसी एक ये 5-6 नाम है इनमें से किसी एक जनरल से तो इशू है, उनके हवाले से उनके खदशात भी हैं और तहफात भी हैं, तो आपको समझती हैं कि तमाम जो जनरल्स हैं वो काबिल हैं और चीफ आर्मी स्टाफ लगने की उनकी अहलियत है, या आप भी समझते हैं कि किसी एक के ऊपर जो है कोई इशू है आपका? देखिए बात यह है कि जो जनरल्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में वो सारे जनरल जो हैं वो एक प्रोसेस से आते हैं, उन तमाम का एहतराम है। हमें लगने वाले पे प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगाने वालों पे प्रॉब्लम है। लगाने वालों की लिस्ट में से नहीं है, ना उनकी पॉलिटिकल लिस्ट में से है, ना वो इलेक्टेड है और ना उनका कोई और नाम। फवाद भाई, जब 2014 में आज़ादी मार्च आया तब तो बड़ों का हाथ भी था आपके सर के ऊपर, तब आप 20 से 25 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, अब तो उनका हाथ भी नहीं, क्यों लगता है 20 से 25 लाख कैसे इकट्ठे करेंगे? पाकिस्तान में हुआ यही है कि जब बड़ों का हाथ ना हो तब भी 20 25 इकट्ठे होते हैं। दोनों तरफ मोटरवे पे भी होंगे और इंशाल्लाह जेलम में भी होंगे, लग पता जाएगा। सेल्फी में नजर आएंगे सर, इंशाल्लाह हेलो क्या मतलब yeah.